नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं पूजा। बीजेपी के पंचायती राज सम्मेलन को फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृहमंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं, और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता, और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का तीन दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई, और उसको बहुत बारीकी से, सच्चाई के हर पहलू से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। साथियों, आप सभी भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकत रखता है, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा काम कर सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपने जिले में, राज्य में पार्टी की नींव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, पद पर रहते हुए भी घमंड के बिना काम करते हुए आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं, और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वास जता रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।